40 देने होते हैं। अच्छा 40 देने को अगर हम काउंट करें, 40 ओरिजिनल है, 40 उसकी कॉपीज बनती है। ये सिल्क कौन सा स्टेज था जब कॉपी बनाते थे? ये सिल्क का इंटरफेस। हरवाना कल आए थे, आज नए नए कौन है? माइनस चार्ज है। सो इस माइनस चार्ज की भी हमारे पास इधर एक प्रोटीन हुआ करता था। कितनी प्रोटीन है? चार। और मैंने प्रोटीन आर दिए फोर। अरे चार प्रोटीन, चार स्टोन। फिर उसके बाद फिर क्या बनता था दूसरा? फिर चार स्टोन। अरे चार थे या आठ थे? आठ स्टोन है। अगर आठ आठ मिलती थे तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? अक्टूबर। दीज आर कॉल्ड अक्टूबर। सो जस्ट आप रेडी नाउ आप नहीं लिखोगे सर भी दर्शन होगे। ये अक्टूबर बनेगा। चार ये बन गए तो उसके साथ चार साइड पर आ गए। फिर चार ये बन गए और उसके साथ चार साइड भी आ गए। चार ये बन जाते हैं और चार उसके साथ साइड भी आ जाता है। अब थोड़ी बड़ा अब इसको ये लिखेंगे। यहां पर इसको मिटा दोगे तो कितना हो गया? चार नीचे चार उसके ऊपर। ये मिटा दोगे तो चार नीचे चार इसके ऊपर आ रहा है। ये मिटा दोगे तो चार नीचे चार उसके ऊपर आ जाते हैं। टोटल कितने कितने बन जाते हैं? आठ आठ बनते हैं। सो इस प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। इस प्रोटीन को हम लोगों ने जो नाम दिया था इट इज कॉल्ड व्हाट? द एस्ट्रोन प्रोटीन। सो द एस्ट्रोन प्रोटीन व्हाट टाइप ऑफ द चार्ज इज देयर? पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द साइड चेयर। सबसे पहले क्या होता था? डीएनए कॉइल ऑन व्हाट? आना स्टोन के ऊपर ये डीएनए कॉइल हुआ, फिर जा करके फिर कॉइल हुआ, फिर जा करके फिर कॉइल हुआ, जहां पर डीएनए कॉइल उस जगह का नाम क्या होता था? शार्ट आना है। उसको नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम। सो व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम? बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन के ऊपर क्या कॉइल होता है? डीएनए। जब प्रोटीन के ऊपर डीएनए कॉइल होता है उस जगह का नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम। जैसा हम ये देखते हैं आपके पास डीएनए है किसके ऊपर? क्या कहते हैं? दूसरी तरफ कॉपी है, ओरिजिनल डीएनए, दूसरी उसकी कॉपी है। फिर क्या बना हुआ मेरे पास? अगेन देयर आर द एस्ट्रोन। क्या पड़े हैं? स्टोन बना हुआ है। यहाँ पर फिर स्टोन है, यहाँ पर फिर स्टोन है। इस स्टोन के ऊपर क्या चीज कॉइल हुआ है? ना डीएनए कॉइल हुआ। जब डीएनए कॉइल होगा स्टोन के इर्द गिर्द जा करके यू डीएनए कॉइल हो जाता है। जब डीएनए स्टोन के इर्द कॉइल होगा फिर इस जगह का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोसोम। आज एक लफ्ज को बदलेंगे, क्या इसको मैं न्यूक्लियो प्रोटीन कह सकता हूं? न्यूक्लियो का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियर एसिड। न्यूक्लियो का मतलब क्या है? अच्छा न्यूक्लियर लफ्ज का मतलब है न्यूक्लियर एसिड। न्यूक्लियर एसिड लफ्ज का मतलब क्या है? डीएनए। एंड प्रोटीन लफ्ज का मतलब क्या होगा? प्रोटीन। सो न्यूक्लियोसोम को हम न्यूक्लियो प्रोटीन कह सकते हैं। क्यों न्यूक्लियो प्रोटीन है? इसमें न्यूक्लियर कह सकते हैं। और प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? न्यूक्लिक एसिड। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? डीएनए। डीएनए और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जो एक न्यूक्लियोसोम इधर भी बनाया गया है। इस न्यूक्लियोसोम का नाम